नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद इस बात का डर है कि उनको कार्यकाल के बीच में ही सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। दरअसल रविवार को पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ इसी बात का इशारा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ अन्याय क्यों हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, नाराज लोगों ने 2 साल कुछ महीनों में ही उन्हें कार्यकाल से हटा दिया। हम लोग भी सबके हित में काम कर रहे हैं, कभी कभी सबके हित में काम करने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने किसी की भी उपेक्षा नहीं की है, बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अति गरीब परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में शिखर तक पहुंचे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 2 जून 1971 को पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार वे 24 जून 1977 को राज्य के मुख्यमंत्री बने और मजबूरन 21 अप्रैल 1979 को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जननायक के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए यह बात कह रहे थे। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए वो प्रयत्नशील हैं। सीएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से हम लोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए हर इलाके और हर तबके का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जिससे समाज के हर तबके की महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर जनसेवाओं से जुड़ी। अति पिछड़ों को अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ही उद्योग लगाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य कई क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही है। वचन देता हूं, जब तक हम हैं लोगों की सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सत्ता का बस एक ही मतलब है और वह है सेवा। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी नीतियां बनाई उसका लाभ सबको मिला है। सरकार में आने के पहले दिन से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। जदयू मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की योजनाओं के लिए आम बजट की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके संदर्भ में कई योजनाएं बनाई गई है जिनका प्रावधान बजट सत्र में पेश होने वाले आम बजट में होगा। 7 निश्चय 2 की योजनाओं पर वर्ष 2021 में ही काम भी शुरू हो जाएगा। योजनाओं से संबंधित सभी चीजों का सर्वेक्षण कराया गया है। पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के बारे में पहले से कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई जाती है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश होगा। बजट की सारी तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। सारी चीजें नियत समय पर ही होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।